दोस्तों 1 जुलाई सन 1988 को रिलीज मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी स्टार फिल्म वक्त की आवाज़ किसने नहीं देखी होगी, जो कि सन 1988 की एक सुपरहिट फिल्म भी साबित हुई थी, जिसके गाने जिसकी स्टोरी आज भी लोगों को खूब पसंद आती है। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी फिल्म के बारे में जानेंगे ढेर सारी रोचक बातें। सिकंदर के नाम को बदनाम करने वाले सिकंदर लाल ठक्कर, वो कोई मामूली ड्राइवर नहीं है। आप मेहरबानी करके मुझे जरा शहर छोड़ दीजिए। लड़की अकेली, तू भी अकेला, मैं भी अकेला। विश्वा? विश्वा नहीं, विश्व प्रताप कहो। विश्वा से टकराना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। वो आग है और तुम लोगों को सूखे तिंगे की तरह जलाकर खाक कर देगा। आप ही हैं जस्टिस शारदा देवी। शारदा देवी के लिए नागिन का लफ्ज फिर से इस्तेमाल किया। तुम लौड़ियों के साथ तुम्हें भी खाई में फेंक दूंगा। इस दुनिया में जुर्म करना गुनाह है, मगर जुर्म से बेखबर रहना उससे भी बड़ा गुनाह है। तेरी गुनहगार जिंदगी के दिए में पाप का तेल खत्म हो चुका है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था के बप्पैया साहब ने, जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ मुद्दत, प्यार का कर्ज, स्वर्ग से सुंदर, घर एक मंदिर और प्यार का मंदिर जैसी अनेकों फिल्में बनाईं। और वहीं इस फिल्म की जबरदस्त कहानी लिखी थी परचूरी ब्रदर्स ने और इसके डायलॉग्स की रचना की थी उस समय अनेकों फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखने वाले लेखक और अभिनेता कादर खान साहब ने, और साथ ही इसे प्रोड्यूस किया था त्रिविक्रम राव ने। बात करें इस फिल्म के संगीत की तो इसमें कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनमें आई वांट हिट सम बॉडी, लड़की अकेली तू भी अकेला, गुरु गुरु आजा गुरु, 1 2 3 4 प्यार चाहिए कितनी बार, और फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत तू भी बेकरार मैं भी बेकरार। इन सभी गानों को संगीत से सजाया था बप्पी लहरी ने और साथ ही इनमें अपनी सुमधुर आवाज़ें दी थीं किशोर कुमार, आशा भोंसले, मोहम्मद अजीज, सुदेश भोंसले और अलीशा चिन्नई ने। दरअसल इस फिल्म में हमें सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के अलावा मौसमी चटर्जी, कादर खान, रंजीत, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, असरानी, श्रीराम लागू, नीलम कोठारी और अरुणा ईरानी जैसे कलाकार अभिनय करते नजर आए थे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी ढेर सारी रोचक और अनसुनी बातों के बारे में। नंबर 1, आपको बता दें यह फिल्म सन 1988 को रिलीज हुई थी और साल की 5वीं सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म भी बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं यह फिल्म तेलुगु भाषा के सन 1986 की फिल्म खड़ी रुद्रैया के हिंदी रीमेक थी, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में कृष्णा और श्रीदेवी ने काम किया था और जिसे विजयलक्ष्मी आर्ट पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया था। और बाद में इसके हिंदी रीमेक वक्त की आवाज़ को भी विजयलक्ष्मी आर्ट पिक्चर के बैनर तले बनाया गया। नंबर 2, दरअसल इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की मां का किरदार अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने निभाया था, जो कि एक जज बनी हुई नजर आती हैं। लेकिन आपको बता दें, मौसमी चटर्जी रियल लाइफ में मिथुन चक्रवर्ती से मात्र 3 साल ही बड़ी हैं। नंबर 3, इस फिल्म का प्रसिद्ध गाना गुरु वो गुरु किशोर कुमार ने गाया था, ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, ये गाना किशोर कुमार का आखिरी गाना है जिसमें इन्होंने अपनी आवाज़ दी है, क्योंकि 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ये दुनिया छोड़ चले थे। लेकिन इससे पहले किशोर साहब ये गीत रिकॉर्ड कर चुके थे, जिसे फिल्म में शामिल किया गया, जो कि किशोर दा की मौत के बाद लगभग 1 साल बाद रिलीज हुई थी। नंबर 4, वैसे तो इस फिल्म के लगभग सभी गाने लोकप्रिय साबित हुए थे, लेकिन इस फिल्म का गाना तू भी बेकरार मैं भी बेकरार ने कुछ ज़्यादा ही सुर्खियाँ बटोरी थी। और शायद यही वजह रही कि सन 1991 को रिलीज फिल्म 100 करोड़ का गाना प्यार में गिरफ्तार इससे प्रेरित है। नंबर 5, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की जोड़ी की ये तीसरी फिल्म थी, क्योंकि इससे पहले ये दोनों सन 1984 के फिल्म जाग उठा इंसान और सन 1987 के फिल्म वतन के रखवाले में काम कर चुके थे। इसके बाद सन 1988 में इन दोनों की फिल्म वक्त की आवाज़ रिलीज हुई, जो कि इस जोड़ी की तीसरी फिल्म थी। इसके बाद इनकी सन 1989 में चौथी और आखिरी फिल्म गुरु रिलीज हुई, जिसमें श्रीदेवी ने डबल रोल निभाया था। इसके बाद इन दोनों ही कलाकारों ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया।
तो दोस्तों ये थी मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी स्टार सन 1988 की सुपरहिट फिल्म वक्त की आवाज़ से जुड़ी ढेर सारी रोचक और अनसुनी बातें। उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, तथा ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।